दोस्तों आजकल टीवी शोज में आपको एक ना एक चाइल्ड एक्ट्रेस तो देखने को मिल ही जाएंगी जो अपनी मासूमियत भरी अदाकारी से दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। और अब दर्शकों का भी टीवी सीरियल देखने का नजरिया बदल गया है, इसलिए वो सास बहू के सीरियल को छोड़कर इन चाइल्ड एक्ट्रेस को देखते हैं। इन चाइल्ड एक्ट्रेस में कुछ तो एक्टिंग में इतने अच्छे होते हैं कि वे एक्टिंग के मामले में सभी बड़े एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों ये चाइल्ड एक्ट्रेस समय के साथ काफी बड़े भी हो जाते हैं। ऐसे में टीवी शोज में काम करने वाले कई चाइल्ड एक्ट्रेस आज काफी बड़े हो गए हैं और समय के साथ साथ काफी बदल भी गए हैं। कुछ तो इतना बदल गए हैं कि इन्हें आप पहली नजर में पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे चाइल्ड एक्ट्रेस से रूबरू करवाएंगे जो काफी बदल चुके हैं। आइए जानते कौन है। नंबर 5, तुनिशा शर्मा। चक्रवर्ती अशोक सम्राट सीरियल में राजकुमारी अहनकरा का किरदार याद है आपको? उस किरदार को तुनिशा शर्मा ने 12 साल की उम्र में निभाया और अपने इस किरदार से फेमस हो गई। इसके बाद इन्होंने गब्बर पूंछ वाला सीरियल में काम किया, साथ ही फितूर फिल्म में बॉलीवुड में कदम रखा। उसके बाद बार बार देखो, कहानी 2 जैसी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज बहुत बदल चुकी है। आज ये 18 साल की हो गई है और बड़ी खूबसूरत नजर आती है। आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और इंटरनेट वाला लव सीरियल और दबंग 3 फिल्म में काम करते हुए नजर आई। वर्तमान में ये इश्क सुभान अल्लाह सीरियल में जारा का किरदार निभा रही है। नंबर 4, अनुष्का सेन। सोनी सब के शो बालवीर में मेहर का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री अनुष्का सेन ने इस किरदार में अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज से सभी को अपना फैन बना लिया। उस वक्त इनकी उम्र केवल 10 साल थी। इन्होंने इस किरदार को बड़े अच्छे से निभाया। इसके बाद इन्होंने झांसी की रानी और इंटरनेट वाला लव जैसे शोज में काम किया, साथ ही क्रेजी कुक्कड़ फैमिली से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज बहुत बदल चुकी है। आज ये 17 साल की हो गई है, पहले से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश भी दिखती है। आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है। बेशक ये टीवी पर नजर नहीं आ रही हो, पर ये म्यूजिक वीडियो बनाकर खूब नाम कमा रही है। इन्होंने गल करके और सुपरस्टार जैसे म्यूजिक वीडियोज में काम किया है, साथ ही ये टिकटॉक बनाकर भी बड़ी प्रसिद्ध हो गई है। नंबर 3, आशिका भाटिया। 2009 में इमेजिन टीवी पर प्रस्तुत हुए शो मीरा में मीरा के बचपन का किरदार अभिनेत्री आशिका भाटिया ने निभाया। उस वक्त इनकी उम्र केवल 9 साल थी, फिर भी इन्होंने इस किरदार को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा और ये पॉपुलर हो गई। इस शो के बाद इन्होंने सोनी के शो परवरिश में भी काम किया। इस शो के बाद इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपनी पढ़ाई का ध्यान देने लगी। लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज बहुत बड़ी हो गई है, साथ ही काफी सुंदर दिखती है। वर्तमान में इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है। बेशक ये टीवी पर तो नजर नहीं आती, लेकिन ये टिकटॉक पर छाई हुई है, जिसमें इनकी आईडी है @आशिका भाटिया, जिस पर आप 14.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इन्हें देख सकते हैं। नंबर 2, अमृता मुखर्जी। सोनी के शो बड़े अच्छे लगते हैं में राम कपूर और साक्षी की बेटी पीहू का किरदार तो आपको याद ही होगा, जिन्होंने अपनी मासूमियत से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस किरदार को अमृता मुखर्जी ने 6 साल की उम्र में निभाया था और अपने किरदार से फेमस हो गई। इसके बाद इन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कॉमेडी सर्कस के महाबलिक में एक मेहमान के तौर पर नजर आई थी। इसके बाद इन्होंने अपने अभिनय करियर को विराम दे दिया और पढ़ाई में बिजी हो गई। लेकिन बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री आज पहले से ज्यादा बदल चुकी है। आज ये 16 साल की हो गई हैं और खूब प्यारी दिखती हैं। आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को विराम दिया हुआ है और अपनी पढ़ाई में बिजी है। नंबर 1, अनन्या अग्रवाल। स्टार प्लस के शो सिया के राम में माता सीता के बचपन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अनन्या अग्रवाल ही तो थी, जिन्होंने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से लोगों को दीवाना बना दिया। इस सीरियल के बाद इन्होंने दिया और बाती हम, मेरी दुर्गा और बंधन जैसे सीरियल में काम किया। पर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने वाली ये अभिनेत्री आज पहले से ज्यादा बदल चुकी है। आज ये 16 साल की है और काफी खूबसूरत दिखाई देती है। आज भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है। हाल ही में ये रूप मर्द का नया स्वरूप सीरियल में जिग्ना का किरदार निभाते हुए दिख रही हैं। वर्तमान में अपने ये नए शोज की शूटिंग में भी बिजी है। तो दोस्तों आपको इन सभी में से कौन सी अभिनेत्री बड़ी होकर ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो और टीवी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।